कोरोना वायरस के बारे में हर जगह खबरें गर्दिश कर रही हैं, लिहाजा हम बच्चों को परेशान कुन मामला से महफूज नहीं रख सकते। अलबत्ता आप एक खुली और दयानदारा गुफ्तगू के जरिए अपने बच्चों पर मनफी असर को कम कर सकते हैं। एशिया में 24 के साथ में शौकत साहिब, पहले आज की टॉप स्टोरीज। कोरोना की तीसरी लहर पर तशवीश बरकरार, बच्चों की सेहत के लिए रहनुमा खतूत जारी। जम्मू कश्मीर में मजीद 25 अफराद को वबा ने निगल लिया, 1117 नए केसेस रिकॉर्ड। और लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, डीएम श्रीनगर। आज सबसे पहले कोविड-19 की तीसरी लहर, खदशात और बच्चों की सेहत से मुतलिक खबर पर नजर डालते हैं। मरकज ने बच्चों के ताल्लुक से कोविड-19 के इलाज के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। ये रहनुमा हिदायत कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र जारी की गई हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने मशवरा दिया है कि बच्चों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन बिल्कुल न दिया जाए। कोरोना वायरस के लिए बने कौमी टास्क फोर्स से जुड़े बड़े डॉक्टरों की राय है कि कोई भी डाटा या इशारा नहीं देता है कि बच्चों को इस वायरस से किसी किस्म का खतरा है, लेकिन एहतियात के तौर पर बच्चों के लिए रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत ने बच्चों के लिए जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं उनमें यह है कि सिर्फ ज़रूरी हालत में ही सीटी स्कैन कराया जाए। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 6148 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में ये योमिया सबसे ज़्यादा अमवात हैं। मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 3,59,676 हो गई है, जबकि अमवात की शरह अब भी 1.23% है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की होलनाकियाँ जारी रहने के बीच गुज़र 24 घंटों के दौरान 1117 नए केस सामने आए, जबकि इस मुद्दत के दौरान 25 मौत रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,04,868 है और अमवात की मजमूई तादाद 4,143 तक जा पहुँची। सरगर्म मामलात की तादाद 18,518 है, जबकि अब तक 2,82,142 अफराद वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कोरोना गाइडलाइंस पर हो रहे अमल दरामद का जायजा लेने के लिए आज शहर श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा SSP श्रीनगर और पुलिस के दीगर अफसरान थे। इस मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना और वैक्सीन लगवाना ही वाहिद जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है। इस विजिट का मकसद ये है कि जो इन्फोर्समेंट है कोविड प्रोटोकॉल के, जो इन्फोर्समेंट है उसको बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि पार्शल अनलॉक के बाद मार्केट्स के अंदर एक लिमिटेड पब्लिक मूवमेंट देखी जा रही है एज पर जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ है। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी होती है जब अनलॉक हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती से भी ये अज्यूम कर ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब है कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो यहीं हम गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा फिर हमें लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आज हम ये अपील करना चाहते हैं सभी आवाम से कि आप प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें और प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई सजा ना समझे, बल्कि ये हम सब के हित में है। प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना और वैक्सीनेशन अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवाना ही मूल मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर एकेडमी कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर में यक रोज़ा कोरोना टीकाकारी कैंप मुनक़द किया गया। इस टीकाकारी कैंप में मुलाजमीन, फनकारों, कलमकारों और एकेडमी से वाबस्ता दीगर अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। 18 साल से 44 साल की उम्र के 200 से ज़ायद अफराद को ये टीके लगाए गए। जम्मू में भी इसी तरह का एक कैंप मुनक़द हुआ। हमारा जो है अपने जो एकेडमी के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे मुलाजिम लोग हैं और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनके लिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। और ये हमारे आदरणीय जो सेक्रेटरी हैं श्री राहुल पांडे जी, उनके आदेश पर आज ये सारा जो ड्राइव चल रहा है। तो आज हम
ये पूरा दिन इस ड्राइव को चलाएंगे और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने की आज यहाँ पर अभियान चलाएंगे। जी, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी। हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले इनसे गुजारिश की थी कि सभी सेक्टर्स की तरह आर्टिस्ट लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए और उनको वैक्सीनेट किया जाए, और आज ये हमारी डिमांड और रिक्वेस्ट को पूरा किया गया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में गुज़श्ता रोज नाले में घर के आब हुए नौजवान की लाश आज बरामद की गई। घर के आब का यह वाकया गुज़श्ता शाम आरी गांव में पेश आया था, जिसके बाद नौजवान की तलाश के लिए SDRF की खदमात हासिल की गई थी। आज मस्कुरा नौजवान की लाश बरामद हुई और इसकी शिनाख्त इरफान अहमद भट्ट वल्द अब्दुलरशीद भट्ट साकिन आरी गांव के बतौर हुई। इधर नाराना गांधरबल में 40 रोज बाद लापता नौजवान की लाश बरामद हुई है। नामा निगार के मुताबिक जावेद अहमद नामी नौजवान गुज़श्ता माह 2 तारीख को नाराना जंगल में लापता हुआ था। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज एक रोजा फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल प्रोग्राम का अहतमाम किया। मॉक ड्रिल की निगरानी एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद राथल कर रहे थे। मॉक ड्रिल प्रोग्राम में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, SDRF, हेल्थ, फ्लड कंट्रोल, महकमा माल के मुलाजमीन और 50 रजाकारों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर लेशारा पर वाका वाइल्ड मनी गांव अमरनाथ यात्रियों का पहला पड़ाव है। इस पड़ाव के सड़क के किनारे वाका एक चाय खाना एक बाहिमत खातून चला रही है। एशिया मेल के मुदीर आला रशीद राहिल इस बाहिमत खातून से मिला रहे हैं। हमें तो बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, ना तो कोई काम है, ना धंधा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पालना भी मुश्किल हो गया, रोटी की भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि कोई ना चल रहा है, ना कोई आ रहा है कोविड की वजह से, ना कोई गाड़ी रुकती है। जब कोई गाड़ी नहीं आएगी तो रुकेगी क्या? तो हम तो वैसे चौकीदारी कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत बुरा गुजारा है मेरा तो इस वक्त। ना मेरा आदमी है, ना मेरा लड़का है, मैं खुद इसको चला रही हूँ इस वक्त, अपने बच्चों को छोटे छोटे को पालने के लिए। बहू है, 3 बच्चे हैं मेरे, मगर मैं बेकार बैठी हूँ। मेरे को इस वक्त किसी ने भी हेल्प नहीं किया, आज दिन तक मेरे को पूछने भी कोई नहीं आया कि तू कैसे। हाँ, अमाम आते हैं, अमाम जो है वो आते हैं कि हाँ तेरे को कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं है, तो मैं उनसे बेचारों से क्या कहूँगी, क्या डिमांड करूँगी। जो मेरे इधर जान पहचाने हैं वो मेरे को पूछते हैं तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं बोलती हूँ चल मैं रोटी तो खा रही हूँ। यात्रा का कोई बोलता है चलेगी, कोई बोलता है नहीं चलेगी, कोई बोलता है आएगी, कोई अगर यात्रा आएगी भी तो 2-4 दिन आएगी भी तो बांध के ले जाएंगे, तो हमें क्या करना, हमें तो भूखे के भूखे ही हैं, हमें तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हमें क्योंकि बांध के ले जाते हैं यात्रा को, 4 साल से हम ऐसे बेकारी में जहाँ गुजारा कर रहे हैं, ना कोई रोटी खाने को, ना लेना, ना देना, कोई कुछ नहीं है, ना कोई काम है, ना धंधा है, बच्चे पालना भी बड़े मुश्किल हो गए। मैंने एक आदमी रखा है, उसी की वजह से मैंने कोई भी आदमी इतने नहीं रखा कि रोड काम ही नहीं है तो मैं किसको रखूँगी। तो मैं बाबा नगरी के जय दुआ करने गई थी कि मत्था टेकने गई थी कि बाबा कुछ करो, इस मेहर करो, हमारे इस कश्मीर का हालात ठीक होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों की, सब लोगों की रोटी रोजी चलनी चाहिए। वो जगह है जो सोनामर्ग बालतल के लिए अमरनाथ यात्रा जा रही थी, ये वो जगह है जहाँ बेस कैंप हुआ करता था। यहाँ ज़बरदस्त चहल पहल हुआ करती थी, पुलिस हुआ करता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ होते थे, महकमे सेहत के लोग यहाँ पे होते थे, लेकिन आज ये जगह सूनी सूनी लगती है। यहाँ कुछ वो जो बकरवाल आते जाते हैं, खानाबदोश लोग, उन्हीं के कुछ डेरे यहाँ पे इस वक्त हैं। यहाँ के जो दुकानदार इर्द गिर्द हैं वो भी इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हैं, क्योंकि इनका मानना है कि COVID-19 की वजह से उनका जो कारोबार है वो पूरी तरह से मुतासिर हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और अब अमरनाथ यात्रा भी नहीं चली और टूरिज्म सेक्टर भी पूरी तरह से मुतासिर हुआ है। रशीद राहिल, कैमरामैन फैरूज खान के साथ, लद्दाख नेशनल हाईवे, वाइल गांधर। एश मेट्रो जी 4 का वक्त इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, लेकिन आप जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। यहाँ पे होनी चाहिए जनाब, पार्क होनी चाहिए, यहाँ पे कोई मतलब वैसे है नहीं है फैसिलिटी हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। यहाँ लोग बहुत दूर से आते हैं, लेकिन वैसी फैसिलिटी यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, वैसी देखने के लिए, बैठने के लिए वैसी जगह नहीं है। बस हमारी यही है गवर्नमेंट से अपील की यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, पार्क बननी चाहिए अच्छी से, और
होनी चाहिए, अच्छी सी फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या। एक्चुअली हम लोकल टूरिस्ट हैं, हम यहाँ पे आना चाहते थे कि हम यहाँ पे रात नाइट स्टे करें, तो यहाँ पे हमने जब देखा कि ये सूरत हाल है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है कुछ यहाँ पे, जैसे कि पहलगाम में हम रोज़ रोज़ जाते हैं यहाँ, मुझे अब मन नहीं करता कि यहाँ यहाँ आए और यहाँ स्टे करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हम सरकार से ही बोल कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये है, ये डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है, मगर यहाँ पे प्लीज़ यू शुड टेक मोर पेनस, और यहाँ पर जो बिल्डिंग है, यहाँ पे क्वार्टर है, उनके की तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि हम भी यहाँ पे नाइट स्टे करें।